अस्सलाम वालेकुम लोग, यार कैसे हो तुम लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यार तुम लोग भी फारिग, हम लोग भी, मैं भी फारिग, सब मिलके फारिग लोग, वेले लोग हम सारे। तो पूरा व्लॉग देख लिया करो यार, मुझे पता है तो बहुत से लोग बिल्कुल शुरू होते ख़त्म हो जाती है तुम लोग की जो देखते हो तुम लोग मुझे। तो यार थोड़ा दो तीन मिनट और देख लो, मेरा काम हो जाएगा। आज है ना, आपको मैं बहुत ज़्यादा एक हाथ से माजरत कहता हूँ, कहना मैं बहुत दिनों के बाद है ना बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है ना मेरे जानवरों को, सारे जानवरों को है ना मैं छोड़ के चला गया था हैदराबाद शादी के लिए। तो जैसे कभी हैदराबाद गया था तो आप लोग सोचे होंगे कि यार जानवरों का किसने ख्याल रखा दो दिन के लिए। तो भाई मेरे जो दादा है ना, उन्होंने है ना पूरा मतलब दो दिन है ना ख्याल रखा है। एक दिन उनसे है ना नहीं, मतलब वो एक दिन नहीं खाना नहीं दे पाए थे क्योंकि उनके पेट में दर्द था। और ये अब एक दफ़ा और मुर्गियाँ देख रहे हैं सारी की सारी, इस उनकी भी आज कैंडलिंग कर देंगे अंडों की। तो क्या है ना, टर्की के अंडों की और कबूतर के, दोनों के अंडों के ना कैंडलिंग कर देंगे, ठीक है। और देखेंगे यार किस में बच्चा बन रहा है नहीं बन रहा, और अगर जिसमें बनता होगा उसको हम डालने देंगे, और जिसमें नहीं बनता होगा उसको हम उठा लेंगे, ताकि है ना मुर्गियों मतलब टर्की और या तो कबूतर के ऊपर भी जोर थोड़ा कम ही पड़े, ठीक है। तो हमारा पहले का काम आज ये है। और हाँ, मेरे को आज एक और चीज़ आपको बतानी थी कि है ना, ये जो ये वाली ब्राउन, ये जो ब्राउन वाली मुर्गी है ना, इसको खोल देते हैं। ये देखें, ये वाली जो ब्राउन वाली मुर्गी है ना, इसके जब आगे की तरफ वो है तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसने इसको है ना मैंने अपनी गैलरी में रखा हुआ था। तो है ना मैं अगले दिन आया तो गायब हुई थी। मैं टेंशन था, मैंने बोला भैंस की टा ये गई किधर। मैंने फिर है ना सामने पड़ोसी को पूछ लिया, पीछे वाले पड़ोसी को पूछ लिया, तो सबको मैंने पूछ लिया, उन्होंने बोला नहीं अभी तक तो नहीं है। मैं टेंशन में, मैंने सारा वो सारे वो भी डाल दिए, मतलब कि पैसे भी निकाले गए भाई अगर ये मतलब बच जाए, मतलब मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। तो वैसे मैंने पैसे भी निकाल दिए थे, लेकिन हाँ और पैसे भी डाले मैंने और बहुत ज़्यादा दुआएं की। उसके बाद है ना कल सुबह मैं आया स्कूल से, ठीक है, मतलब हैदराबाद जाने से पहले की बात है। उसी दिन रात को मैं निकलना था हैदराबाद के लिए। मैं बोला यार अगर ये मिली नहीं तो मैं फंस जाने वाला हूँ, और दादा भी कैसे करते हैं ये मतलब सारी चीज़ें। तो अगले दिन जब आया ना तो ये ब्राउन वाली जो डब्बे के अंदर छोटी घुसी हुई है, तो इसको मैंने वहाँ नीचे गली के अंदर पकड़ा, नीचे वहाँ बैठी हुई थी अभी। हाँ इनको पड़ोसियों को मिली होगी, तो इन्होंने, मैंने इनको बोला था फेंक देना, तो इन्होंने है ना ये मुर्गियों को फेंक दिया होगा। लेकिन जब ये मिली थी ना मेरे को ये वाली ब्राउन वाली छोटी, अबे ओए ये, तो इसकी तबीयत है ना बिल्कुल ही ख़राब। मतलब जैसे कि हमारी जो पिछली वाली मुर्गियाँ थी ना, जैसे वो मुँह से सांस लेती थी, पॉपी से इसको यही मसला था। अभी भी देखेंगे छींकें खाई जा रही हैं, आज इन दोनों का इलाज करता हूँ मैं। देखें छींकें इनकी ख़त्म नहीं होती, इनको अभी थोड़ा दाना दे देते हैं, ठीक है। दाना भी इसलिए लाया था मैं, थोड़ा दाना देने के बाद इनको है ना बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी सर्दी भी बहुत हो रही है। अब इनको थोड़े थोड़े है ना ले लो भाई खा लो। इन गरीबों को भी कुछ दे देते हैं, क्योंकि सुबह इनको एक दफ़ा दिया था, तो थोड़ा सा और इनको दे देते। हटो भाई हटो, खा लो। ये देखिए यार, असल में मेरे लगा हुआ था पहले से ही, खून आने शुरू हो गया। चलो कोई बात नहीं यार। और हाँ, मेरे को आपको बताना था, कहना है इसका भी अभी तक काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह यार बहुत ही जल्द ये भी शुरू हो जाएगा। मतलब कि यार पापा के पास भी टाइम नहीं, और अभी हमारे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं सारे कुछ, इसलिए हमने ना इसको थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़े हफ्तों के लिए इसको हमने पेंडिंग रखा हुआ है। सूरज बिल्कुल ही बिल्डिंग के पीछे चला गया, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मगरिब हो, और फिर मैं अंधेरे के अंदर है ना फिर मैं ना एक ही कैंडलिंग करूँ, वरना मतलब अगर अभी कर लूँगा तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मुझे नहीं दिखेगा। और हाँ यार, आप लोग को एक और बड़ी खुशी की बात बतानी थी, कहना हमारे अभी घर के अंदर है ना इंशाल्लाह 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 बहुत ही जल्द है ना चूज़े आएंगे, वो भी असली चूज़े। और वो हमारे गार्ड अंकल ने हमको है ना बहुत सालों पहले प्रॉमिस किया था, बोल बोल के कि भाई हाँ अगले महीने दे दूँगा अगले महीने, और आज तक एक साल हो गया। तो इंशाल्लाह है ना कल ही या परसों होनी है। हैदराबाद जाने से पहले उन्होंने मेरे पापा के साथ भी बात की थी कि है ना मैं ना वहाँ लेने जाऊँगा थोड़े टाइम के अंदर, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो नए नए चूज़े आ जाएंगे। बस यार वो पल जाए तो वही बड़ी बात है, भले एक चूज़ा भी हो लेकिन वो पल जाए तो वही अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र होगा। तो यार बिल्कुल है ना मतलब कि अंधेरा तो हो गया, आप इस तरफ देखो, ये एक तो कैमरा ऐसा है ना कि उससे पूरा है ना
लाइट अप कर दिया, लेकिन चलो खैर है, अच्छी खासी मगरिब हो गई है। और दूसरा मैं मेरी बहन का मोबाइल ले आया हूँ, ठीक है। और सबसे पहले जाके फिर पहले टर्की का है ना, हम लोग चेक कर लेते हैं कि विच एग इज़ फर्टाइल और नॉट। इसको पहले उठाते हैं हम लोग, ठीक है बेबी, थोड़ी देर के लिए यार, थोड़ी देर प्लीज़ यार। नहीं यार, इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि बिल्कुल ही बल्ब की तरह जल है। इसको हम अलग रख देते हैं, उसके बाद ये देखें जी यार, ये देखिए ये सेकंड नंबर वाला, मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर है कुछ, तो इसको अलग रख देते हैं, मतलब कि इसके अंदर कुछ है। अभी ये वाला चेक करते हैं, ये वाला अंडा तो ख़राब है शायद, हाँ ये ख़राब है, क्योंकि देखिए ना तो ये ग्लो है अंदर से, आई थिंक सो कि पूरा पक चुका ही है, तो इसको हम बाहर रखते हैं। जो पके हुए यहाँ रहे, जो अनफर्टाइल है ये हैं, और जो फर्टाइल है वो रहे हैं। अभी ये दूसरा वाला ले लेते हैं, एक चेक करते हैं। हुई अब मूवमेंट चेक कर रहे हो, मूवमेंट ये देखें, पता नहीं यार कैमरे में नज़र आता हो या नहीं आता हो, ये देखें वेंस, अगर आपको दिख रही हो ठीक से मूवमेंट, अगर आपको कैप्चर हो जाए यार कैमरे में, तो ये देखें ये मूव हो रहा है अभी, तो ये भी फर्टाइल है। ये दोनों मेरे को लग रहे हैं कि ठीक है। अभी तीसरे वाले की बारी है, ये वाला भी टोटली मतलब फर्टाइल ही है, ये देखें ये मेरे को लग रहा है पता नहीं ख़राब होने वाला है या, तो बस ये भी मतलब कि फर्टाइल ही होना चाहिए। अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो ये आई थिंक सो के इसके अंदर भी बच्चा है, हाँ इसके अंदर भी बच्चा है, ये देखें ये पूरा ग्लो नहीं हो रहा, और अब पता नहीं कैमरे में आता हो, लेकिन इसके अंदर मेरे को लग रहा है कि नहीं मतलब है, ठीक है तो उसको भी फर्टाइल में रख देते हैं। अभी भाई ये है इसकी, तो ये तो अनफर्टाइल लग रहा है मेरे को, तो इसको भी यहाँ रख देते हैं। ये है जी, तो भाई यार मैंने चेक तो कर लिया है, इसके अंदर से है ना दो ऐसे हैं कि जिसके अंदर मेरे को एक या दो ऐसे हैं जिसके पे मेरे को पूरा यकीन है कि हाँ बच्चे हैं उसके अंदर, और जो दूसरे तीन चार थे ना, तो उसके अंदर मतलब वो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो बंद रहे, ठीक है, तो अभी कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन बस अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कुछ अच्छा ही निकलेगा यार, अल्लाह ने भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो चलो अभी अंडे, कबूतर के अंडे जाके चेक करके आते हैं। तो यार चेक करते हैं, इसका तो लग रहा है कि हाँ यार बच्चा है, हम कुछ कह तो नहीं सकते। ए तोड़ जा यार, पता नहीं है ख़राब क्यों लग रहा है मेरे को, लेकिन चलो बनना होगा तो कुछ भी करके। शिट आओ आओ, अच्छा सॉरी, साले तू इतना मारता है मेरे को, आई एम योर डैड ब्रो। दूसरे वाले उठाते हैं, और ये तो अनफर्टाइल है पूरा का पूरा, नहीं हाँ अनफर्टाइल है, चलो कोई बात नहीं। एक दूसरा वाला, ये वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या तो इसके अंदर पूरा बन गया है या तो क्या मसला है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये देखिए ना तो ग्लो कर रहा है ना तो कुछ हो रहा है, चलो खैर है ये लो भाई दूसरा भी आप अपने नीचे ले लो। अभी तो खैर कुछ पता तो चला है नहीं, फिर कुछ भी होगा तो देख लेंगे। तो यार अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Thanks so much for watching. Bye.